15 साल पहले योग ग्राम की नींव डली थी और आज 15 साल में एक जन्नत जैसा वातावरण बन गया है योग ग्राम निरामयम में। अभी मार्च का महीना है, रामनवमी आने वाली है और आप मेरे सामने देखेंगे इधर ये योग ग्राम और उसका ये बहुत ही सुंदर योगा का डोम है पूरा, और उससे भी ज़्यादा सुंदर यहाँ का चारों तरफ का नैसर्गिक वातावरण है। दाएं बाएं आगे पीछे चारों ओर यहाँ पर आरोग्य साधक भी हैं। यह बाईं तरफ ये रसोई है, इधर ये एडमिन ब्लॉक है। पूरे योग ग्राम की आपको सैर कराते हैं। आखिर कैसा लगता है योग ग्राम? छोटे छोटे बच्चे भी माँ बाप के साथ यहाँ पर आए हुए हैं और सब आरोग्य साधक अपने अपनी साधना करते हुए यहाँ पर अपने अपने चिकित्सा लाभ लेते हुए, किसी को बीपी है, किसी को शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस है, तो किसी को और तमाम रोग। और ये हमारा सबसे पुराना, लगभग 25 साल हो गए इसको आस्था में सेवा करते करते, हमारा ये चंदू मामा भी है। तो यहाँ साधारण रोगों से लेकर के बीपी, शुगर, अस्थमा, आर्थराइटिस, थायराइड से लेकर के वात पित्त कफ रोगों से लेकर के SLMS, ऑटोमेन डिजीज, और ये सब यहाँ प्रदूषण मुक्त वातावरण है। यहाँ केवल साइकिल चलाना नाउ है, पैदल चलना, और ये बैटरी वाली कार है। इधर माताएं बैठी हुई सैर करती हुई आगे बढ़ रही है और दाएं बाएं इंदर इतने सुंदर पुष्प यहाँ पर खिले हैं। एक तो गुलाब का फूल, मैं आपके साथ बैठा हूँ, दूसरे गुलाब के फूल देखो इधर दाएं बाएं, इनकी शोभा देखते ही बनती है। मैंने सोचा कि आज एक आपको वीडियो डाल देता हूँ। ये जो टीसू के फूल हैं, गंध तो इनमें नहीं आती लेकिन बड़े खूबसूरत होते हैं। और नीचे दाएं बाएं ये डेलिया से लेके, और कम से कम यहाँ 100-200 तरह का गुलाब होगा। ये दाएं बाएं तरफ जो है, दोनों तरफ जिधर देखते हैं ना, उधर इतना सुंदर लगता है। आपको ये पूरा परिदृश्य का दर्शन करा देता हूँ थोड़ा सा। और ये आपको दाएं बाएं जो पुष्प हैं इनके साथ साथ ये तालाब भी है सामने, फिर उसके उधर भी कुटिया हैं, फिर इसके दाहिनी तरफ भी कुटिया हैं। पूरी कॉलोनी बसी हुई है यहाँ पर 1200 लोगों के रहने की, और उनके उपचार करने वाले 1200-1300 थेरापिस्ट हैं, बागवानी का काम कर रहे हैं, खेती का काम कर रहे हैं, इनके रहने के लिए ऑर्गेनिक सब्जियाँ भी हम यहीं से पैदा कर रहे हैं। और इस पूरी प्रक्रिया को जब आप देखते हैं तो इतना खूबसूरत यहाँ का ये पूरा परिदृश्य है। बाएं तरफ देखिए, दाएं तरफ देखिए, जिधर देखिए, फिर आंवले का बगीचा भी है यहाँ पर। और फिर सबसे बड़ी बात है, आबो हवा इतनी पवित्र है यहाँ, मतलब थेरापियाँ और ये सब तो एक तरफ है। आप देखिए यहाँ दाहिनी तरफ बाईं तरफ कितने खूबसूरत फूल खिले हैं, और इसको जब देखते हैं ना तो इतने मनमोहक लगते हैं ये। अब इनके साथ में कुटियाँ बनी हुई है यहाँ पर, जब इन कुटियाओं में रहते हुए निकलते बढ़ते सब ये प्रकृति का सौंदर्य देखते हैं। ये सारे बाग बगीचे पूज्य स्वामी मुक्तानंद जी महाराज यहाँ लगा करके गए, आज हम देखते हैं तो हर पुष्प, हर कली, हर डाल, यहाँ का कण कण उनकी उपस्थिति का एहसास कराता है। इसलिए वेद में कहा कीर्तिर्यस्य सजीवति। पूज्य स्वामी मुक्तानंद जी महाराज हम लगभग 35 सालों से साथ में थे गुरुकुल से ही, पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी महाराज, ये सारी जो सारा जो उपक्रम है, ये सारा अनुष्ठान है, ये इसका एक विश्वकर्मा की तरह मात्र 60-70 दिन में ये सारा योगग्राम बना दिया था। फिर उसके बाद धीरे धीरे इसको इतना खूबसूरत बनाया पूज्य स्वामी मुक्तानंद जी महाराज जी ने, इसमें चार चांद लगा दिए। और अब 3 साल से मैंने इधर डेरा डाला था कोरोना काल में, तब यहाँ 400 लोगों की व्यवस्था थी, अब यहाँ वैसे तो 1400 लोग रह सकते हैं लेकिन अब यहाँ पर 1200 लोगों को योग ग्राम और निरामय में हम उपचार देते हैं। बाईं तरफ देखिए, और इधर ये यज्ञशाला है, यहाँ पर अलग अलग प्रकार के हवन होते हैं, और इतनी खूबसूरत ये तस्वीरें हैं ना, तेज़ी से भी आपको दिखाते हैं तो लगता है यहीं ठहर जाए कैमरा। और इसमें इतनी खूबसूरती है, इधर ये जो ट्रीटमेंट सेंटर है बाईं तरफ पूरा लंबा बड़ा है, उसमें जाते आते समय इतने खूबसूरत पेड़ पौधे हैं, मतलब ये सौंदर्य आप यहाँ सड़क के किनारे भी देखते हैं तो इतने खूबसूरत हजारों प्रकार के पुष्प खिले हुए हैं। तो मैं तो कहता हूँ लोग रिट्रीट के लिए, पिकनिक के लिए, घूमने के लिए, एडवेंचर के लिए इधर उधर बाहर जाते हैं,
कहीं बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है, आप यहाँ आइए ना और देखिए क्या खूबसूरती है। मेरे दाईं ओर देखिए, बाईं ओर देखिए, जिस तरह से ये बाईं तरफ है ऐसे ही दाईं तरफ भी देखो। ये अब देखो आप, इधर ये झोपड़ियाँ हैं, आगे निसर्ग कुटीर भी दिखाएंगे, और इधर ये देखो अंजीर का बगीचा आ गया, उसके पहले कितने सुंदर ये लताएँ लगी हुई हैं, और ये गुलाब के फूल कितने सुंदर सुंदर, ये पीला है, ये लाल है, फिर अलग अलग हैं। मैंने जब नज़दीक से इनको गहराई से देखते हैं ना, तो फिर ये खजूर के पेड़ में खजूर लगे हुए हैं। ये मैं एक बार दुबई गया था तो मैं वहाँ से बीज ले आया 10-20 तरह के, मुक्तानी जी ने लगा दिए, मैंने देखा इतने मीठे हैं ये, राजस्थान में होते हैं ऐसा नहीं, उत्तराखंड में भी खजूर हो जाते हैं, ये मैंने देखा है। और ये अंजीर भी इतने ज़बरदस्त हैं, अब तो लदे हुए इनके पेड़ इनके मूल में, चंदू जी जी मूल में जाकर के देखोगे ना, इतने अंजीर के वो लदे हुए हैं पूरे। हाँ, अरे अरे आम तो क्या गजब है यहाँ, ये जो है ना इनके ऊपर बोर आए हुए हैं, और आम के बगीचे में आपको ले चलते हैं। देखो बाहर से भी कितना खूबसूरत लगता है ये योग भवन दाहिनी तरफ। अब देखो ये योग भवन में इधर ऋषि मुनियों के चित्र लगे हुए हैं, फिर ये देखो इतना खूबसूरत नज़ारा, ऊपर तिरंगा लहरा रहा है। अब तो तिरंगा, योग का झंडा, वेद का झंडा, सनातन संस्कृति का झंडा ऐसा गाड़ दिया है। फिर ये देखो कितना खूबसूरत आ गया, इतना सुंदर है। हमारी पूज्य माता जी का तो नाम ही गुलाब देवी है, और यहाँ पर इतने गुलाब के पुष्प लगे हुए, हमको तो चारों तरफ अपनी माँ का, भगवती माँ का, प्रकृति माता का ही दर्शन होता है। ओहो हो, इस बार तो आम इतने ज़्यादा है, यदि आंधी तूफान ना आए तो मुझे लगता है हजारों लोगों को ये फल चखने का आनंद मिलेगा। फिर ये बगीचा, ये आम के 200-250 प्रकार के आम लगते हैं यहाँ, ज़्यादा है, मैं 200-250 कम बोले, हर एक पौधा हर अलग नस्ल का है, करीब शायद 500 प्रकार से ज़्यादा के आम हैं यहाँ। ये तो एक है, दूसरा उधर और दूसरा बगीचा है, वो भी आपको दिखाएंगे। और फिर ये पूरी निसर्ग कुटीर है, इनका भी दर्शन कराएंगे, और फिर दाहिनी तरफ तो पूरा निरामयम है ये सामने, इसका आदरणीय जेटली साहब ने उद्घाटन किया था, ये तो बहुत ही 7 स्टार है पूरा। कोशिश करता हूँ, बहुत दिन हो गए चलाए हुए, चढ़ ही जाएंगे लगता है हम। इधर ये निसर्ग कुटीर की तरफ चल रहे हैं, ओ चढ़ गए भाई, बात बन गई। ये लो अब देखो ये निसर्ग कुटीर, पहले हमने टेंट लगाए, टेंट में फिर कुछ लोग कहने लगे जी थोड़ा सा डर लगता है कहीं सांप बिच्छू तो नहीं आ जाएंगे, फिर नीचे हमने फ्लोर डाल दिया, ऊपर से फिर भी टेंट ही रखा है, और पेड़ पौधों के बीच में ओहो क्या नज़ारा है साहब है। ये तो मैं थोड़ा सा नीचे उतर करके आपको दिखाऊंगा पूरा है? और इतना सुंदर है, इतना सुंदर है ये, जब बना रहे थे तब हमको भी नहीं पता था ये इतना सुंदर उपवन यहाँ पर तैयार हो जाएगा। अरे राम राम। तो अभी हम आपको नीचे चल करके और इससे अवगत करा देते हैं, क्या खूबसूरत नज़ारा है। देखो ये तो एक नज़ारा आपको यहाँ हमने थोड़ा सा दिखाया है, ऐसे अब आपको पूरा नज़ारा दिखाते हैं, चलो अंदर ले चलते हैं कुटियाओं के अंदर। ये चारों तरफ आम ही आम, इनके यहाँ पेड़ों के बीच में कुटिया कैसे बन सकती हैं, निसर्ग कुटीर, पानी की आवाजाही के लिए बरसात बहुत होती है तो ये बीच बीच में नालियाँ बना दी गई हैं। ऐसे हर अब यहाँ 2500 लोगों का ये गांव है, जिसमें रोगी से लेकर के उनके थेरापिस्ट, उपचारक और सब मिला करके 2500 लोगों का गाँव है, लेकिन कोई गंदगी नहीं है, इतना हाइजीन मेंटेन करके रखते हैं। यहाँ पर जो शीशे भी, एक शीशे वाली जाली है और एक शीशे वाली खिड़की, एक जाली वाली खिड़की है। अब इसके इसमें से इतनी सुंदर हवा आती है, और अब तो आज तो वैसे ही हवा इतनी अच्छी चल रही है। यह चारों तरफ मेरे दाएं बाएं आप जो देख रहे हैं ना, ये पूरा नज़ारा ऐसा है कि बस इसको देखते ही ऐसा लगता है कि बस हम कहीं स्वर्ग में आ गए हैं। और इतनी सुंदर ये पूरी रचना, और एक एक कुटिया, और ये इसमें रह करके लोग इतने प्रसन्न होते हैं। अब सब अपने उपचार के लिए चले गए हैं, क्योंकि सुबह 4 बजे से यहाँ जल नेति सूत्र नेति शुरू हो जाता है, जल नेति सूत्र नेति, फिर त्रिफला से आईवास, फिर शंख प्रक्षालन, प्रणाम, क्या नाम है बेटा, बबली, कहाँ से है, औरंगाबाद गांव से, ये गांव के बच्चे हैं, यहाँ आकर के सेवा देते हैं। कब से लगी है सेवा में, 12-13 साल तो शुरू में आ गई थी बबली। क्या पढ़ी लिखी है, पढ़े लिखे तो 5वीं क्लास है, तो खुश है। अब यहाँ देखो ये बच्चे कम पढ़े लिखे हैं लेकिन बहुत प्यारे हैं,
बहुत प्यार से सेवा करते हैं। जो भी लोग आते हैं कहते हैं यहाँ बच्चे गांव के बच्चे हैं, लोग कहते हैं ऐसा स्किल्ड लेबर, अरे काम तो भक्ति से सेवा से होता है। यहाँ जो है चारों तरफ आप देख रहे हो ना ये नज़ारा, ये शुरू में हमने जब बनाया तब मेरे सब मित्र पूज्य आचार्य वाक्षण जी से लेकर के पूज्य मुक्तानंद जी भी बोले कि समझे बनवा तो रहे हैं, होगा कैसे। अब देखो यहाँ बीच में हमने फ्लोर बढ़ा दिया, पहले हमने यहाँ इसके नीचे ईंट डाली थी, ईंट पर धीरे धीरे फिर जो है थोड़ा सीमेंटेड कर दिया इसको। अब ये फ्लोर जो आप देख रहे हो जिस पर मैं चल रहा हूँ, पहले ईंटें थी, दोनों तरफ देखो नालियाँ भी बन गई, ऐसे ही बनता चला गया। करीब हमने 100 करोड़ रुपए खर्च कर दिया यहाँ पर, और पता ही नहीं लगा कब हुआ। लोग सहयोग करते रहे, मेंबर बनते रहे, लाइफ एट एंड फाउंडर मेंबर बनते रहे। और आगे आपको दिखाता हूँ असली नज़ारा, देखो जो है ये तो निसर्ग कुटीर, ये भी अपने आप में अद्भुत है। और कितना एक व्यक्ति से हम 3000 रुपये लेते हैं, 3000 में तो एक थेरेपी नहीं रहती, लोगों को अच्छा कमरा नहीं मिलता होटलों के अंदर। ये देखो कितना सुंदर योग भवन है, एकदम 5 स्टार। बाई तरफ आप देखिए सब, अब ये पूरा अंदर का वैभव तो बाद में दिखाएंगे एक एक। माने जब मैंने खुद भी सोचा नहीं था, ये चारों तरफ यहाँ राजा जी नेशनल पार्क है, चारों तरफ जंगल है, माने ये नेशनल फॉरेस्ट है ना, इसके अंदर बड़े सख्त रूल हैं। इसमें आदमी को भी भीतर जाने की घूमने की अनुमति नहीं है, केवल जंगली जानवर ही रह सकते हैं, एक पेड़ की कोई टहनी भी नहीं काट सकता, इतना सुंदर पूरा वातावरण है। और इसको ये क्योंकि जब निरामयम बनाया तो ये छोटा पड़ गया था, अब इसको बड़ा कर दिया। अब इसमें एक और दिमाग में आइडिया आया है, ये मुझे लगता है दीपावली तक वो भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। सब प्रसन्न है जी, ओ सब यहाँ कुछ तो पार्किंग योग ग्राम वालों की शुरू में ही है, इनकी भी बाईपास रोड बना रखा, वहाँ से कारें आ सकती हैं खाली और यहाँ पार्क हो जाती है। अब आपको मैं ले चलता हूँ, सामने तो जो है पूरा जंगल है और ये हजारों सालों से पेड़ पौधे ऐसे ही यहाँ पर। अब निरामयम का मैं आपको होल इसलिए दिखाता हूँ, अब जो पहले होल बनाया था वो तो कुछ लोगों के मेडिटेशन के लिए मात्र रह गया है, अब यहाँ अलग अलग प्रकार से सारी चिकित्साओं को के लिए अलग अलग फैसिलिटीज़ बनाई गई हैं। बड़े बुजुर्ग बच्चे सब, टाइप 1 डायबिटीज़ है, छोटे छोटे लोगों को बड़े बड़े रोग हो गए। अब आपको देखो लिफ्ट भी लगा रखे, क्योंकि रोगी होते हैं ना तो कई बार वो चल नहीं सकते। अब देखो यहाँ ये सब का भोजनालय है, आपको निरामयम का भोजनालय है, ऐसे योगग्राम का भी है। तो यहाँ पर ये सब अभी कुछ लोग जिनको अलग अलग प्रकार के, करीब यहाँ 200-250 प्रकार के अलग अलग फूड थेरेपी चलती है, फूड एंड फास्टिंग। तो ये इतना सुंदर दृश्य है और ये सब एयर कंडीशनड है। आपको मैं थोड़ा होल दिखाता हूँ, देखिए ऊपर, और ये सब इतना खूबसूरत बनाया गया, इतना खूबसूरत आपको बड़े बड़े होटलों में भी नज़रिया नहीं देखने को मिलता होगा, क्योंकि आज निसर्ग है। और निसर्ग के साथ छेड़छाड़ किए बिना हमने बहुत छोटी जगह में बनाया है यहाँ, फिर इनके सारे स्टोर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस और ये सब अंदर बना रखे हैं, यहाँ नहीं। आपको ऊपर ले चलता हूँ योग खोल के अंदर। अब देखो जो है ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि लोग इधर उधर भागे फिरते हैं और हम उनको यहाँ योगग्राम में 3000 में, यहाँ 5000 में, 5000 10000 में एक रूम देते हैं, तो दो व्यक्तियों की उसमें ट्रीटमेंट। ये देखो पूरा इतना सुंदर हॉल है, इसमें गद्दे लगे हुए, अभी तो क्योंकि थेरेपियाँ चल रही हैं सुबह शाम यहाँ योग होता है, पूरा एयर कंडीशन हॉल है। ऊपर तक आप नज़ारा देखेंगे तो इसमें ये सीलिंग वाले एसी हैं, कोई आवाज़ नहीं होती, और क्योंकि यहाँ गर्मी में कई बार गर्मी बहुत अच्छी हो जाती है इसलिए ये सब व्यवस्थाएँ की गई है। खैर तो लिफ्ट इसलिए लगाई गई है क्योंकि रोगी अलग अलग रोगों से ग्रसित जो होते हैं लोग, उनको यदि लिफ्ट ना हो तो चलने फिरने में, जो बड़े बुजुर्ग हैं जिनको घुटनों में दर्द है, इसलिए लिफ्ट लगाई गई है। लेकिन आपको मैं बात ही बताना चाहता हूँ, यहाँ करीब हम 100 प्रकार की तो योग की क्रियाएँ करवाते हैं, अलग अलग तरह की योगिक व्यायाम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, मुद्रा, 100 प्रकार से अधिक की वस्तुएँ दी जाती हैं, अलग अलग प्रकार के लेप लपेट लगाए जाते हैं, अलग अलग प्रकार की थेरापियाँ, कुल उनकी काउंटिंग करेंगे तो करीब 1000 हो जाती हैं। तो मैं एक शब्द प्रयोग करता हूँ, शत सहस्र साधना, इतने साधन हैं, इतने प्रकार की साधनाएं हैं
मैं आज आपको पूरा बता ही देता हूँ। यहाँ पर लोग एक एक दिन में एक एक दो दो किलो वेट कम कर लेते हैं। इतना ही नहीं, एक दो किलो वेट कम करना तो बहुत साधारण सी बात है। अब आपको हम आगे ले चल रहे हैं। ये सब हमारे स्वास्थ्य साधक आ गए। कहाँ से है भाई साहब? फरीदाबाद, कलकत्ता, सिलीगुड़ी। अच्छा, पूरा परिवार आए हुए हैं इकट्ठे होकर के। बहुत अच्छी बात है। तो ये नया जो है ट्रीटमेंट सेंटर में, ये नया हमने जोड़ दिया था इधर जो है, क्योंकि यहाँ पर पहले फैसिलिटी थोड़ी कम थी। यहाँ 20 फीट नीचे गड्ढा कर करके बनाया गया था, जो आप देख रहे हो ना बाईं तरफ, क्योंकि पहले जो होल था वो इतना छोटा पड़ गया, उसमें 25-30 ही लोग बैठ कर, पहले यहाँ 25-30 ही लोग आया करते थे निरामय में। अब यहाँ 150 लोगों की व्यवस्था कर दी गई है, और मुझे लगता है करीब 200-250 लोगों की और व्यवस्था हो जाए तो लोगों को कम्फर्ट चाहिए। तो यहाँ 10,000 का भी कमरा है, यहाँ 15,000 का भी कमरा है, और फैमिली रूम यहाँ पर 20-22,000 का। ये पूरा नया ट्रीटमेंट सेंटर है। अभी कम पड़ गया, अब इसको और बढ़ाएंगे, इसके बारे में आपको फिर और बताएंगे। शुरू में इतना ही बनाया था। ये दाएं बाएं तरफ जो आप देख रहे हो ना, ये मैं थोड़ा सा आपको चलो इसकी भी यात्रा करवा ही देता हूँ। ये जो है यहाँ ये नज़ारा है ना, ये सारे सिंगल रूम है, लेकिन सिंगल रूम इतना है जो मैं तो, क्योंकि पूरी दुनिया घूमा हूँ, ताज से लेकर के और मैरियट से लेकर के, जो रेडिसन से लेकर के जो बड़े बड़े होटल हैं उनमें ये जो कमरा है ना, एक कमरा जो है वो वहाँ पर 25-50 हज़ार रुपये में मिलता है। प्रणाम। यहाँ हम जो पतंजलि विलाज है वो 10,000 रुपये में देते हैं। यहाँ ये जो बड़े रूम हैं, यहाँ 2-3 व्यक्ति आराम से रह सकते हैं। कभी कभी अपवाद में तो 4 भी रख देते हैं, लेकिन 3 तक अलाउ करते हैं, क्योंकि फिर उनकी ट्रीटमेंट में बाधा ना आए। ये पेड़ आज से जब 15 साल पहले मुझे जंगलों के बीच से पूज्य आचार्य बाक्षण जी यहाँ पर लेकर के आए, तो सबसे पहला ये पेड़ ही यहाँ पर साथी था। फिर यहाँ मैं खुद रहा हूँ। शुरू में हमने पतंजलि गुरुकुल, हम जहाँ सैकड़ों सन्यासी तैयार हो गए, फिर अभी पतंजलि गुरुकुल अभी सन्यास आश्रम बन गया, फिर गुरुकुलम, आचार्य कुलम, यूनिवर्सिटी, बहुत कुछ बन गया। तो शुरू में आए थे तब यही ओहो हो हो बड़ का पेड़ था। इसके सामने पीपल का पेड़ है, सारे दिखाता हूँ आपको। फिर ये उदम्बर है, गोलर है, और यहाँ से ये यात्रा शुरू हुई। अब वहीं तरफ पूरा ट्रीटमेंट सेंटर है, वो पहले मैंने कई बार दिखाया हुआ है, तो आज तो बाहर बाहर से ही पूरा दर्शन करा रहा हूँ, कि जिससे के अंदर जिनका उपचार चल रहा है वहाँ पर कोई बाधा ना आए। देखो इतना बड़ा पीपल का पेड़ है, ये बड़का पेड़, ये उदम्बर गोलर, देखो इतने लगे हुए, सुंदर सुंदर। अब ऊपर इसमें जीव जंतु भी रहते ही हैं, फिर जीव जंतुओं के साथ में मनुष्य रूपी जीव जंतु भी आ गए हैं भैया। और ये पुरानी रसोई थी, अभी छोटी पड़ गई, तो ये तो अभी VIP लोगों के लिए रख दी है। इधर जो है हमने, प्रणाम बच्चों, खुश रहो। अच्छा, ये फिर आ गई हमारी बहन, आपकी नन्हे जी जी भी। आज 26 लोग आए हैं, 26 लोग आए हैं। आपको बताया बेटे को कॉर्पोरेट, अब ये पूरा कॉर्पोरेट मेंबर बन गए, लाइव मेंबर बन गए, अभी बेटे को बनाया, सारे परिवार को इसने मेंबर बना दिया। नहीं, आपने स्वामी जी, आपने इतना आशीर्वाद दिया। जा बेटा, ये हमारी नेचुरोपैथी की डॉक्टर है ना जी, क्या नाम है? डॉक्टर हर्षिता। बहुत हर्षित जी जी भी लाई हूँ, तो सबको अब अच्छा करके भेजो। जा जा, खुश हो ना? तो यहाँ पूरे के पूरे परिवार जुड़ गए, लाइफ पेटेंट फाउंडर कॉर्पोरेट मेंबर बन करके बहुत प्रसन्नता अनुभव कर रहे हैं। तो पहले ये इतनी छोटी सी रसोई थी, अब देखो आपको मैंने बड़ी रसोई दिखाई ना, ये छोटा योग भवन है जो दाईं तरफ था। तो इतना विस्तार हमें देना पड़ा कि ये इतना छोटा सा पड़ गया। पहले यही लोगों को बहुत भव्य लगा करता था, ओहो हो हो, और इतनी इतनी सुंदर जो है रसोई है। अब ये जो रसोई आप देख रहे हो, ये तो बहुत लिमिटेड लोगों के लिए रह गई है, एक VIP रसोई बना दिया इसको, या जो बहुत दूर तक चल नहीं सकते उनके लिए बना दिया गया है, बाकी तो सारा बड़ा कर दिया। रसोई भी बड़ी कर दी है, योग हॉल भी बड़ा कर दिया है। प्रणाम जी, क्या नाम जी? जी सतविंदर कौर। सतविंदर कितना है? बॉम्बे। मुंबई से? बॉम्बे तो आया, लेकिन वेल्सपन में काम किया, आपको वेल्सपन में देखा। अच्छा, अभी बिरला में। अच्छा अच्छा अच्छा, वेल्सपन में मैं गया था। हाँ, गया था, गया था। हाँ। अभी मैं आदित्य बिरला में हूँ कुमार बाबू के साथ। तो ये हमारे सब, अब पहले जो है ना, ये जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स में काम करते हैं उनको लगता था यार
छोटी जगह है अब यहाँ अब अच्छा नहीं, नहीं, नहीं छोटी जगह कोई किसी ने नहीं बोला ना छोटी जगह है ना छोटे आप हैं छोटा दिल भी नहीं है बहुत बड़ा दिल बहुत बड़ा दिल आपका तो इसीलिए तो आपने तो दुनिया भर की फैसिलिटीज देखी हैं दुनिया भर के बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउस देखे हैं होटल देखे हैं कैसा लग रहा है बहुत बढ़िया नहीं यहाँ पे पॉजिटिविटी है बहुत फैसिलिटी कैसी है बहुत अच्छी ये मैं बता रहा था कि यहाँ छोटी उम्र से बड़ी उम्र से आम घरों से खास घरों से कॉर्पोरेट वर्ल्ड इकोनॉमिक वर्ल्ड के लोग और जो है फाइनेंशियल वर्ल्ड के लोग पॉलिटिक्स से अलग अलग सेक्टर से जुड़े हुए भाई बहन आते रहते हैं स्विमिंग पूल है बड़ा खूबसूरत है और इसकी स्वच्छता भी आप देख सकते हैं बहुत मैंने इसमें इसकी अब क्योंकि मौसम अच्छा हो गया है अब दिन जब दोपहर को थोड़ा समय मिलता है तो यहाँ पर लोग आनंद करते हैं तो ये हमारा चंदू पुराना चेला है 25 साल हो गए इसको भी जब हमारे पास में आया था तब इसकी नई नई शादी हुई थी अब इसके भी बच्चे हो गए इसके बच्चों की भी शादी होगी लो पहले जब आया था तब नई नई शादी हुई थी अब इसके बच्चों की भी शादी हो गई और ये हमारे साथ लगा हुआ है तब से लेकर के अब तक अब छोटी सकड़ी गलियों से आपको फिर विराटता की ओर ले चलते हैं तो पहले सिंगल रूम दिखाए थे आपको ये इधर ये दाईं तरफ फैमिली रूम है और सामने जो है जो यहाँ पर सेवा करते हैं उनके रहने वालों के लिए मैंने पूरा का पूरा जो परिसर है ना वो उसमें इतनी दिव्यता है उसमें इतनी पवित्रता है यहाँ पर भी एक बड़का पेड़ है वट वृक्ष अश्वत्थ के वृक्ष ये हमारे प्राचीन काल में बड़े पूज्य माने जाते थे अभी भी हैं तो पूज्य वापस अब वो दुनिया इधर ही लौट रही है ये फैमिली रूम यहाँ चार आदमी रह सकते हैं वो सिंगल रूम था उसमें दो तीन आदमी रह सकते हैं यहाँ चार से पांच लोग तक रह सकते हैं इतने बड़े बड़े रूम हैं यहाँ टोटल मिलाकर के 2-3 हज़ार बीघा ज़मीन है माने 1,000 एकड़ से ज़्यादा पूरी जगह है इसके साथ गौशाला है इसके साथ जो है नेचुरोपैथी का कॉलेज है और ये जो आप देख रहे हैं ना ये पूरा यहाँ पर ये अलग ही नज़ारा है पूरा का पूरा पहले यहाँ पर हमने शुरू में टेंट लगाए थे फिर धीरे धीरे इसको बढ़ाते रहे और आगे लेके जाते रहे तो अलग अलग प्रकार से अलग अलग समय पर यहाँ कोई ये सब उबड़ खाबड़ रास्ते हुआ करते थे एक दो लोग गिर गए बोले स्वामी जी कम से कम ये रोड तो पक्का करवा दो बाकी निसर्ग रखो तो हमने रोड पक्के करवा दिए सारे सीमेंटेड रोड करवा दिए पहले यहाँ कच्चे रास्ते हुआ करते थे और इसके आगे भी बहुत कुछ है अब इधर पूरे बगीचे हैं और मैं यदि इसका पूरा जो नर्सरी है वो दिखाऊंगा तो आप तो कम से कम 1,00,000 रुपए की तो ऐसे ही खरीद करके चले जाओगे यहाँ जो है हर चीज़ है तो अभी मेरा अगला विचार ये चल रहा है कि इसका निरामयम का अगला एक्सटेंशन इधर जो है ये जो आम के बगीचे हैं इसके बीच में कुटिया बना दी जाए और फिर इनका सेंटर जो है इधर ही पूरा एक अलग से डेवलप कर दिया जाए ये पतंजलि विलाज है ये भी अपने आप में अद्भुत है तो आज 10,000 सबको अफोर्डेबल है लेकिन उसमें फैसिलिटी सबको अच्छी मिल जाती है उपचार अच्छा मिल जाता है सर्दी गर्मी से बचने से लेकर के और फिर एक लोगों को ये पतंजलि विलाज ये पिछले 2 साल की रचना है और यहाँ पूरा नया गार्डन यहाँ पर डेवलप हो गया है सब लोग अपने उपचार के लिए गए हुए हैं ये मैं इसलिए आपको दिखा रहा था कि आखिर बहुत लोग यहाँ पर आना चाहते हैं 6,000 के कमरे से लेकर के ये 10,000 तक के कमरे के यहाँ पर व्यवस्था है और इतनी खूबसूरती के साथ सारी व्यवस्था है बहुत खूबसूरत है माने ऐसी दिव्यता और ऐसी फैसिलिटी फिर ऐसी हाइजीन और सब प्रकार की थेरापिया जैसे इधर से पूरा बाईपास रोड बना दिया अंदर से अंदर व्हीकल अलाउ ही नहीं है अंदर कोई गाड़ी मैं अपनी गाड़ी भी नहीं लेकर के जाता जब भी मैं खुद आता हूँ सप्ताह में लगभग 2 से 3 दिन मैं यहाँ रहता हूँ फिर पतंजलि वेलनेस उसका भी नज़ारा अलग ही उसका भी किसी दिन आपको पूरा एक बार तो पहले दिखाया था जब बन रहा था तब उसके बाद हमको फुर्सत नहीं मिली तो फिर हम उसके बारे में आगे बात ना कर सके आपसे लेकिन ऐसे ही बता रहे हैं आपको कि यहाँ ये बाईपास रोड है पूरा और इससे अंदर आ जाते हैं सुबह जो अंदर हॉल है सर्दियों में और बरसात में तो वहाँ करते हैं फिर गर्मियों में बाहर करते हैं तो ये योग प्रांगण है पूरा ऐसे ही अब पतंजलि वेलनेस में भी
वहाँ पर, यहाँ 1200 और वहाँ 1800 लोगों की कुल व्यवस्था, योगपीठ में करीब 200 लोगों की है, तो अभी 3000 प्लस की व्यवस्था हो गई है। अब यहाँ साग सब्जियाँ फल सब यहीं उपजाते हैं, और ये देखो बाई तरफ पूरे खेत खलिहान है, और इन खेतों में करीब जो है 500 से लोग अधिक काम करते हैं। कितने लोगों को रोज़गार मिल रहा है, बाएँ तरफ फवारे चल रहे हैं, उसके आगे देखो पहाड़ है, उसके आगे हिमालय है, पूरा पेड़ पौधे वनस्पतियाँ, और पूरा हिमालय यहाँ से चढ़ते चले जाओ, हरि का द्वार यहाँ से शुरू हो जाता है, हरिद्वार। और देखो ये आम का बगीचा मैंने बाएँ तरफ भी दिखाया, ये हर मैंने जब यहाँ आम तैयार हुए तो अपने प्रियजनों से लेकर के हमारे मोदी जी तक को मैंने यहाँ के आम भिजवाए, पूछा मैंने कहा कैसा लगा, बोले समझे ऐसे आम तो कभी नहीं खाए थे, ये बगीचे कहाँ लगा रखे, मैंने कहा ये हमारा योगग्राम निरामयम के आम है। और ये देखो ये बाईं तरफ सब पे बोर आया हुआ है, और इतना ज़बरदस्त ये बगीचा है, और इसके बीच बीच में साग सब्जियाँ कर लेते हैं, और इसके आगे जा देखो वो बाईं तरफ जो पूरी बड़ी बिल्डिंग दिखाई दे रही है वो डॉक्टर्स की बिल्डिंग है, यहाँ पर हमारे डॉक्टर्स रहते हैं। ये देखो ये बाईं तरफ वाली बिल्डिंग डॉक्टर्स की है, दाईं तरफ जो है OPD है, पहले छोटी बढ़ गई थी, और यहाँ पर इस जो है पूरा निसर्ग के बीच ही देखो आंवले के पेड़, आंवले में अभी अब नया सीज़न आएगा सितंबर अक्टूबर तक, सितंबर अक्टूबर तक ये आंवले रहते हैं, मैं रोज़ आंवले का आंवला एलोवेरा गिलोय का जूस पीता हूँ। तो ये देखो ये आंवला देसी वाला है, ऐसे करीब यहाँ 50 पेड़ हैं, इनको मैंने छुड़वा रखा है, और रोज़ जितने आंवले गिरते हैं उनको उठा करके और उनका जूस बना लेते हैं। तो ये सितंबर अक्टूबर में जब तक नया आंवला आता है तब तक ये बरकरार रहते हैं, ऐसी नस्ल है। और ये पेड़ थोड़ा सा क्योंकि आंधी वर्षा तूफान में हिल गया था तो इसके नीचे ये चबूतरा बना दिया जिससे कि ये हिलो डिलो नहीं, ऐसी जो पूरा उबड़ खाबड़ था, कितना उबड़ खाबड़ था आप सोच सकते हो, ये जो आम के पेड़ों के नीचे, अब देखिए ये जरा आम है, इन पर पिछले साल आलिया फल, इस बार इन पर नहीं आएगा, उस सामने वाले पर इस बार आएगा, ये करीब जो 10 फीट जो है मिट्टी यहाँ से उठाई है, आप सोचो कितनी JCB और कितने यहाँ पर मेहनत लगी होगी। और आम की भी अलग अलग नस्ल है, देखो यहाँ से शुरू हो जाती है, ये आम की नस्ल देखो क्या ज़बरदस्त है, एक हर एक के पत्ते अलग हैं, फूल अलग हैं, और उसके फल तो जब आएंगे ना तब फिर मैं एक बार दोबारा और दूसरा वीडियो बना करके डालूंगा, आप देखना क्या अद्भुत है। देखो इधर कितना शान से तिरंगा लहरा रहा है, तो देखो इधर सामने से तिरंगा लहरा रहा है, बहुत खूबसूरत, इसके अंदर ऐसी लाइटिंग की हुई है, ऐसा इन्वायरमेंट है। और ये मैं कह रहा था ये बाईं तरफ डॉक्टरों के लिए और उसके सामने OPD, कितनी सुंदर बिल्डिंगें बनाई है। तो 100 करोड़ रुपए पिछले 2 साल में हमने यहाँ खर्च किया, और 2-3 साल में इसका नया अवतार हो गया, योगग्राम का नया अवतार। ये आंवला इतना भी छोटा नहीं है, नज़दीक से देखा तो मैंने इतना भी छोटा नहीं है, देखो ये अब ये 12 महीना इस पर फल रहता है, देखो लोग हाइब्रिड आंवला, अब ये 12 महीने इस पर फल रहता है, और मैंने कह रखा है कोई फल तोड़ेगा नहीं, जो अपने आप नीचे गिर जाएगा वही, अब जैसे ये गिरा हुआ है ऐसे, जो नीचे गिर जाएगा कुछ तो अभी उठाए नहीं 2 दिन से, तो और फिर ये आम भी इतने खूबसूरत होते हैं, रंग बिरंगे और नेचुरल जो है, इनके अंदर ऐसे कलरफुल हैं, हमने नहीं लगाए ये तो पहले कोई 50 साल पहले लगा के गया था, हमने तो अभी ये नए बगीचे अभी लगाए पूज्य स्वामी मुक्तानंद जी ने। तो अभी देखो ये योग का मंच है, ये भी हमने पूरा नैसर्गिक रखा हुआ है, कोई छेड़छाड़ नहीं की हमने, हमने कहा सब। अब देखो यहाँ से थोड़ा सा आपको नज़रिया दिखाता हूँ, कितने सुंदर पुष्प हैं यहाँ अलग अलग प्रकार के, बाईं तरफ से देखिए, ये दाहिनी तरफ से देखिए, मंच के उधर देखिए, इधर देखिए, जिधर देखते हैं उधर, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मई पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि सचमे न प्रणश्यति, ऐसा लगता है ये जैसे आप देखेंगे ना कि आर्टिफिशियल होगा, अब ये मतलब ऐसा होगा कि जैसे कहीं नकली फूल लगे हुए हैं, लेकिन ये असली है सब, ये सारे के सारे देखो कितने खूबसूरत हैं। और ये खूबसूरती खाली इन फूलों में नहीं, इसके ऊपर भी जो अलग है वो अलग है, और ये खूबसूरती आप जब यहाँ जैसे सुबह खुले में यहाँ जब बैठ करके योग करते हैं फिर उसके बाद साफ सफाई करते हैं, पहले यहाँ बहुत उबड़ खाबड़ था तो इसका पूरा जो है ये घास जो है हमने जब देखा कि संख्या बहुत बढ़ गई है, पहले छोटे छोटे होल थे वो तो सब ट्रीटमेंट सेंटर ही बन गए दो के दो, और फिर हमने कहा कि अब जो है हमको अब जगह ज़्यादा चाहिए तो यहाँ ये बना दिया। तो इधर घोड़े भी हैं, क्या है सफ़ेद घोड़ा देखो, इसके ऊपर भी पीपल और बड़ यहाँ पर भी है
निसर्ग को हमने बरकरार रखा है और उसके बाद ये सब बनाया है। खैर, तो आपको हम थोड़ा सा अवगत करा रहे थे कि किस तरह से ये पूरा अनुष्ठान चल रहा है। ये बैटरी के रिक्शे हैं, यहाँ बैटरी रखी है, देखो इसके अंदर इसी से ही सब सामान भी ढोते हैं जो है। ये हाथी भी बना रखे हैं, तो पेड़ पौधों के हाथी बना रखे हैं, ये देखो पूरा। तो खैर, ये हाथी ऐसे लग रहा है जैसे एकदम जड़ी बूटियों से निकल करके अभी बाहर आ जाएगा। तो गाय भी है, गौ माता, यहाँ तो हमने थोड़ी सी रख रखी है गौ माता दर्शन के लिए। और जो है पूरा हमने जब यहाँ जो है वो की शुरुआत, तब बोले जब इतने लोग कैसे समाएंगे, कैसे होगा, घबरा गए यहाँ के डॉक्टर थेरेपिस्ट जो 400 लोगों का उपचार कर रहे थे, बोले जी 1400 का कैसे होगा। मैंने कहा आप लगे रहो, सब हो जाएगा, चरे बेती। तो ये लैट्रिन बाथरूम बनाए, फिर शंख प्रक्षालन के लिए भी कम पड़ रहे थे, तो पूरी एक कॉलोनी बना दी हमने लैट्रिन बाथरूम की, क्योंकि शंख प्रक्षालन करना पड़ता है ना। और यहाँ एक एक करके आगे बढ़ते गए। अब ये तो बाद के लगाए हुए पेड़ हैं, ये देखो पहले के बड़ के पेड़ देखे, अब ये नए आप देख रहे हो। फिर यहाँ कुछ भी बनाया गया तो हमने पेड़ पौधों को नहीं छेड़ा। पूज्य मुक्तानंद जी को एक पेड़ की टहनी तोड़ दे, पत्ता भी तोड़ दे, फूल भी तोड़ दे, बोले सब निसर्ग है, ये बरकरार रहना चाहिए, इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। तो ये देखो क्या सौंदर्य है, जब फल आ जाएंगे तो और सुंदर लगेगा। अब मैं आपको देखो, लोग जो है बाथरूम में जाने से डरते हैं कि उधर, और सार्वजनिक बाथरूमों को तो ये ऐसे हमने सब तैयार किए हैं। पहले मैंने कहा टेंट लगाए, कुटिया बनाई, झोपड़ियाँ बनाई। देखो आपको लैट्रिन बाथरूम दिखाते हैं, इधर लेफ्ट साइड में लेडीज़ के लिए, राइट साइड में जेंट्स के लिए। जैसे आप एयरपोर्ट में देखते हैं, करते रहो बेटा, ऐसे पूरे एकदम साफ सुथरे मिलेंगे आपको सारे टॉयलेट। और यहाँ सुबह से शाम तक बच्चे सेवा में रहते हैं। मेरा एक ही सिद्धांत रहता है, कोई भी काम करो उसको पूरी प्रामाणिकता से करो, ऐसे लटर पटर नहीं होना चाहिए। तो खैर, तो आज बिना ही योजना के आपको हमने ये योग ग्राम का पूरा परिचय हो आपका, ये सब अलग अलग थेरेपियों के साथ साथ यहाँ पर भी एक्यूप्रेशर, एक्यूपंचर, कायरोप्रैक्टिक सब चलता रहता है, ये सब बच्चे अपना उपचार ले रहे हैं। और यहाँ ये अंदर वाला मंच है, ये भी बहुत खूबसूरत है। और यहाँ आप ये ऊपर देखो, ये बड़े वाले पंखे लगे हुए हैं, ये बड़े वाले पंखे हैं। और जो है ऊपर से इसमें अलग अलग प्रकार की लाइटिंग है, बाहर से भी रात के समय तो अलग अलग एक बहुत ही खूबसूरत नज़ारा होता है। लोग कहते हैं हमने धरती पर स्वर्ग कहीं देखा तो यहाँ योग ग्राम निरामय में आकर के देखा। तो ये अपने आप में ये पूरा हॉल, ये इसका यहाँ का अंदर का मंच है। और ऐसे ही पतंजलि वेलनेस भी इतना खूबसूरत है, लोग बड़ाई करते हुए नहीं थकते हैं, और इतना अफोर्डेबल कि हर आदमी उपचार ले सके। ये हमने जब शुरू में बस ऐसे ही बैठे ही जो समझ में आया बस हम आगे बढ़ते गए, और आज ये एक श्रेष्ठतम स्वरूप इसका आप अपने आँखों से देख रहे हैं। तो ये इस तरह से ये पूरी यात्रा आगे बढ़ती गई। और ये देखो दाई तरफ एक बहुत पुराना पेड़ है और वो झुक गया है, इतने उसमें फूल लग गए, कहते हैं फूल फल लग जाते हैं तो नम्रता नमना, ये तो कहते हैं जिंदे आदमी की पहचान होती है जो है आकड़, तो ये तो सूखे दरख्तों में और मुर्दे के अंदर होती है आकड़। तो ये देखो कितने खूबसूरत ये पेड़, अब इनके फल, ये ऊपर बाएं तरफ भी देखिए, दाएं तरफ भी देखिए, ये भी कितना पुराना, मुझे लगता है सैकड़ों साल पुराना ही पेड़ होगा। तो ऐसे इस निसर्ग को बरकरार रखते हुए, और ये नया सीजन हुआ है, ये जहाँ आप बाएं तरफ देख रहे, पहले यहाँ पर जो है हमारी गौशाला थी, तो गौशाला को थोड़ा आगे हमने शिफ्ट कर दिया। तो ऐसे करके आपको हमने अब ये आप सामने देख रहे हैं ना कैसे कटिंग करते हैं पेड़ पौधों की भी, बच्चे ट्रेंड हैं उसमें। और अलग अलग प्रकार के फूल, यहाँ भी फूलों का नज़ारा, जहाँ देखो ये पता नहीं क्या, मेरे को तो इनके सबके नाम नहीं पता, अब जैसे कितनी बढ़िया सुंदर कटिंग कर रखी है, इसके इधर ये गुलाब है, इसके इधर ये दूसरा है, फिर ये पता नहीं क्या तितली पिपली क्या बोलते हैं इसको, फिर इधर देखो ये क्या खूबसूरत, एक एक पौधा, एक एक फूल,
अपने आप में सारा एकदम से निसर्ग जैसे कि बोल रहा है। तो ऐसे आज आपको हमने योगग्राम और निरामयम के लाइव दर्शन करवाए हैं, क्योंकि मैं देखता हूँ कई साधक यहाँ की वीडियो बना बना करके डालते रहते हैं, छोटे छोटे बाईं तरफ से दाईं तरफ से आप जहाँ से भी गुजरते हैं उधर एक बहुत ही आँखों को सुकून देने वाला नज़रिया आप देखते हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा अंदर से दिखा करके फिर आज आपको मैंने सोचा कि थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन करा देते हैं कि आखिर यहाँ पर जो योग आयुर्वेद पंचकर्मा षटकर्मा सिरोधार अक्षितर्पण कर्णपूर्ण नस्य सब कर रहे हैं, कहाँ से आई हो बेटा तुम? तो संध्या वंदना की, संध्या वंदना की बेटी हो कि बहू हो? बेटी है। तो बहुत विदुषी है इनकी माँ, वो भी आई हुई है, बच्चे भी आए हुए हैं। और अभी आपको अंदर का नज़रिया थोड़ा नज़ारा सा थोड़ा दिखा देते हैं। ये तो मैंने भी पहली बार देखा, ये कैसे फूल है? अच्छा, ये ऐसे लगते हैं जैसे पूरे अंदर से पूरे भरे हुए होंगे, ये भरे हुए नहीं, नीचे से खाली हैं, लेकिन पूरा ऐसा है कि चारों तरफ से पैक है नीचे ऊपर से। ओहो, अलग ही तरह के पुष्प हैं, ये अलग ही नज़ारा है। हाँ, ये अलग अलग प्रकार के। तो ये सारे पूज्य मुक्तानंद जी महाराज जी को बड़ा शौक था इनका। ये जो रूम है पूरे जो है उसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देते हैं। ये हर एक रूम का, ये बड़े रूम का साइज है। इसके अंदर कुछ रूम्स के अंदर ऐसे अंदर भी सारी थेरेपीज की व्यवस्था की, सिरोधारा करनी है, अभ्यंग करना है तो यहीं पर भी कर सकते हैं। ऐसे भी पूरी टेबल आदि सब यहाँ पर भी है। और जो है इधर ये सिंगल रूम तो इसे आधे हैं, ये उससे डबल है। तो हम कहाँ रहें? अब हमारा तो कोई प्रोविज़न ही नहीं था यहाँ रहने का, ये तो कोरोना, हम इधर आ गए तो हम ज़मीन पर सोते हैं। ये हमारे जो है ये हमारा बिस्तर है। धैर्यम यस्य पिता क्षमा च जननी शांति शिरम गेहिनी सत्यम मित्रमिदं दया च भगिनी भ्राता मनः संयम शय्या भूमि तलम दिशो पिवसनम ज्ञानामृतम भोजनम ये ते यस्य कुटुंबिनो वद सके कस्मात् भयम् योगिन। तो हम ऐसे ही रहते हैं। फिर अब देखो आपको इसका बाथरूम दिखाते हैं, ये इसका बाथरूम है। वैसे हम इसका यूज नहीं करते क्योंकि इसमें सब ये इंग्लिश बाथरूम है। अब जो है उधर सिंपल वाला बाथरूम है उसका, इसमें ये जकूजी लगा हुआ है। अब इस जकूजी को हमको तो चलाना भी आता नहीं, सीधी सी बात ही है, लेकिन ये बड़ा अंदर से पूरा ज़ोरदार है ये सारा, और इसमें भी लोग आनंद करते। अब जिनको जो है ऐश्वर्य के आनंद लेते हैं लेने हैं वह ऐश्वर्य का आनंद ले लेते हैं, लेकिन हाँ एकदम खुला खुला और पूरा एकदम साफ सुथरा सब कुछ एकदम। तो खैर इधर हनुमान जी विराजमान हैं, और इधर ये किसी ने मेरे को किसी ने क्या, हमारे यूपी के चीफ सेक्रेटरी हैं मिश्रा जी, उन्होंने मेरे को दिया। कितना खूबसूरत है ये गणेश जी का मुकुट के साथ, ये मुकुट अलग से था, इसके अंदर डाल दिया हमने इसको। तो खैर तो ये हमारे पूज्य मुरारी बापू के किसी शिष्य ने मेरे को बोला ये हनुमान जी का की प्रतिमा आपको दे रहा हूँ। तो हमें चारों तरफ देवी देवता रहते हैं हमारे, और हम ने आपको थोड़ा सा ये इंट्रोडक्शन इसलिए दिया कि आप को ज़िंदगी में स्वास्थ्य की तलाश है, सुख की शांति की तलाश है। मैं आपको बता रहा था कि आप जो है जब आपको लगे कि थोड़ा सुकून चाहिए लाइफ में, बहुत भाग दौड़ हो गई, तो आ जाइए। एक पक्ष है योग आयुर्वेद स्वदेशी और सनातन धर्म के सारे घटकों को एक साथ लेकर के समग्रता के साथ पूर्ण पुरुषार्थ पूर्ण पराक्रम के साथ अपने साधन साधना और साध्य का ध्यान रखते हुए, अपने मंतव्य कर्तव्य और गंतव्य का ध्यान रखते हुए पूरे इस योग धर्म के साथ वेद धर्म ऋषि धर्म और सनातन धर्म के मन का सारे घटकों को साथ लेकर उसमें कोई भेदभाव पक्षपात ऊंच नीच ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र दलित आदिवासी वनवासी सब भारतवासी सब विश्ववासियों को इसमें समाहित हम कर रहे हैं। और ये आर्थिक आज़ादी, शिक्षा की आज़ादी, भारतीय
शिक्षा बोर्ड से, पतंजलि गुरुकुल आचार्य कुल, पतंजलि विश्वविद्यालय से, आर्थिक आज़ादी पतंजलि की पूरी स्वदेशी अभियान से, चिकित्सा की आज़ादी योगग्राम निरामयम पूरा, और पतंजलि वेलनेस का, ये तो अब वर्ल्ड में इसके हजारों सेंटर बनेंगे, 1,00,000 सेंटर बनाने का सपना है मेरा, 1,00,000 से ज़्यादा विद्यालयों को भारतीय शिक्षा बोर्ड से जोड़ने का सपना है हमारा। तो आर्थिक गुलामी से, शिक्षा चिकित्सा की गुलामी से, वैचारिक सांस्कृतिक गुलामी से, आत्मग्लानि से, कुंठाओं से, सब प्रकार की दरिद्रताओं से, अंधेरों से, अज्ञान से, ढोंग आडंबर से लोगों को बाहर निकालना और जीवन का सत्य, परम सत्य लोगों को दिखाना, बताना, उसको अनुभव कराना। और इसके अलग अलग घटक हैं, तो उसमें एक घटक संन्यास भी है। सन्यासी के हाथों में नेतृत्व था इस देश का। योग सत्ता, धर्म सत्ता, अध्यात्म सत्ता, राज सत्ता, अर्थ सत्ता से ऊपर थी, तब ये भारत देश भारत बना, ये आर्यवर्त देश था। और 1,96,08,53,126 वर्षों से ये पूरी माने पावनी परंपरा अबाध गति से यहाँ तक पहुँची है। तो इसके पीछे भद्रम इच्छन्त ऋषयः सर्वविदः तपो दीक्षाम उपनिषेदुरग्रे ततो राष्ट्रम बलमोजस्य जातम तदस्मै देवा उपसम नमन्तु। और उपनिषद की भाषा में कहे, मुंडको उपनिषद की भाषा में, तथर्वेद का मैंने आपको मंत्र कहा, और जो है यदि मुंडको उपनिषद की भाषा में कहें, वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थाः संन्यास योगात यतयः शुद्ध सत्वाः ते ब्रह्मलोकेषु परांतकाले परामृताः परिमुच्यन्ति सर्वे। ऐसे एक बहुत बड़ी पावनी संन्यास की परंपरा भी रही है। तभी संन्यास दीक्षा समारोह भी चल रहा है, तो जिनको संन्यासी बनना उनको भी मैंने आमंत्रित किया कि आप आइए, आपको हम व्याकरण शास्त्र, दर्शन शास्त्र, उपनिषद, आयुर्वेद शास्त्र, पूरा अध्यात्म शास्त्र हमारा क्या है, हमारी संस्कृति के का बहुत गहरा विज्ञान है। हम ऐसे किसी को कपड़े नहीं पहनाते, हम उसके शरीर को, इंद्रियों को, चित्त को, आत्मा को पूरा परिष्कृत करके, उसको निष्काम अकाम बना करके, और उसके भीतर पूर्ण बोध, पूर्ण विवेक, पूर्ण भक्ति, पूर्ण पुरुषार्थ पराक्रम जगा करके, पलायनवादी सन्यासी नहीं बनाते, योगी और कर्मयोगी सन्यासी बनाते हैं, जो इस धरती पर फिर से ऐसे व्यक्तित्वों का, नेतृत्वों का, चरित्रों का निर्माण करें, और अपने आत्मनिर्माण से राष्ट्र निर्माण, युग निर्माण, आत्म मंगल से लोक मंगल, विश्व मंगल, और की पूरी साधना है। और इसमें रामनवमी पर 21 को हम बाहरी वहाँ पर आपको दृश्य दिखा देंगे, 22 से तो चैत्र प्रतिपदा नया वर्ष शुरू हो जाएगा हमारा, नव भारतीय नव वर्ष पर नए हर्ष के साथ। और संन्यास दीक्षा के मेरे भी रामनवमी 9 अप्रैल 1995 में मैंने संन्यास लिया, लगभग 100 संन्यासी पहले बनाए थे, अब लगभग 100 संन्यासी अभी बन रहे हैं। हमने आह्वान किया पूरे देश से कि आप संन्यासी बनना है तो 8954555999 ये नंबर है, और भी नंबर, फिर ईमेल, वेबसाइट, ये सब आपको दिखाते हैं, बताते हैं, रोज़ उसको टीवी पर भी चला रहे हैं, अखबारों में भी दे रहे हैं, कि लोग आखिर चाहते हैं कि वो सच्चे सन्यासी बने, प्रामाणिक सन्यासी बने, अपने ऋषियों के सच्चे वंशधर बने, उनके प्रतिनिधि, उनके प्रतिरूप, उनके सच्चे उत्तराधिकारी बने, और अपने पूर्व ऋषि ऋषिकाओं की तरह अपने आप को विकसित करके, जो सपना था हिंदवी साम्राज्य का, छत्रपति शिवाजी महाराज का, जो सपना था वीर सावरकर जी का, जो सपना था हमारे सर संघचालक डॉक्टर हेडगेवार जी का, जो सपना था श्रद्धे गोलवलकर गुरु जी का, और जो सपना था स्वामी विवेकानंद महर्षि दयानंद का, और सभी महापुरुषों का, एक शब्द में क्या बोलूँ, हमारे सारे ऋषि ऋषिकाओं, वीर वीरांगनाओं का, सब हमारे महापुरुषों के सपनों का भारत बनाने के लिए हम ये सन्यासी, मतलब निरपेक्ष होकर के, अपने संपूर्ण सामर्थ्य को सारी संकीर्णताओं से बाहर निकाल करके, जो सारे संसार के लिए उपयोग में लाता है, और स्वयं अकाम निष्काम होकर के, आत्मकाम आत्मतृप्त रह करके, भगवान का यंत्र बन करके जो काम करता है, ऐसे सन्यासी भी तैयार कर रहे हैं रामनवमी पर। तो वो भी उसमें भी जब हमने आह्वान किया तो 5,000 से ज़्यादा लोग तो अभी तक, आज तक संपर्क कर चुके हैं। अभी तो संन्यास के दीक्षा के 13-14 दिन बाकी हैं, 17 तारीख हो गई, तो अभी 13-14 दिन बाकी हैं, 30 मार्च को रामनवमी है, तब संन्यास होगा। हमारे देश धर्म सत्ता के, राज सत्ता के शीर्ष पुरुषों का भी आगमन हो रहा है,
और चार वेदों का महायज्ञ भी होगा। परम कुटीर में हमारे सारे सन्यासी तप करेंगे और आपको अभ्युदय निश्रेष प्रवृत्ति निवृत्ति का योग कर्म योग का योग धर्म वेद धर्म ऋषि धर्म और सनातन धर्म का की दिव्यता और भव्यता एक साथ जहाँ से दिखेगी। कल आज ही हम योगग्राम में कल ऋषिग्राम में हम होंगे, वहाँ से भी आपको फिर नया दृश्य दिखाएंगे। तो मेरा सबसे आह्वान कि अपने ऐसे प्रतिभावान समर्थ संतानों को मुझे दीजिए। आपका कुल में शनाने के लिए एक संतान बहुत है, आपके पास दो संतानें भी हैं तो एक संतान मुझे राष्ट्र के लिए दीजिए। हम देश ही नहीं पूरी दुनिया में योग धर्म वेद धर्म ऋषि धर्म और सनातन धर्म की प्रतिष्ठा करेंगे, उसके झंडे गाड़ेंगे। तो जो विवेकी माता पिता हैं खुद अपने बच्चों को लेकर के आ रहे हैं, करीब 70-80% माता पिता पूर्ण प्रसन्नता से एक दृढ़ संकल्प के साथ आ रहे हैं। और मैंने कहा किसी के माता पिता अविवेकी हों मोही हों समझते नहीं हों इस पूरी संन्यास धर्म को, तो वो जो है वैराग्य पूर्वक घर छोड़ करके भी ऐसे योग युते हैं ऐसे यूथ आ सकते हैं। और किसी भी जाति के, ये पहली बार हुआ है कि एक जाति विशेष नहीं, यहाँ ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र दलित आदिवासी वनवासी और आगे तो पूरे विश्ववासियों को भी सन्यासी बनाएंगे, वो अगला दौर होगा। अभी तो आगे 1,00,000 करोड़ की चैरिटी करनी, मैं कहता हूँ हम 1,00,000 करोड़ की चैरिटी करेंगे, आप 1,00,000 तो दान करो, हमने अपना जीवन अपना अपनी जवानी अपना सर्वस्व न्यौछावर किया, आप थोड़ा तो समय का दान करो। रिटायर्ड हो गए तो आप जुड़ो पतंजलि संगठन से जुड़ो, महिला पतंजलि समिति से, भारत स्वाभिमान युवा भारत पतंजलि किसान सेवा समिति से, अमृत स्वाभिमान से जुड़ो, तो आप हम सब मिलकर के संगम संवध्वम इस लक्ष्य को पूरा करेंगे। तो अभी कि सारा दृश्य आपको भी दिखाऊँ योगग्राम निरामयम का, पतंजलि वेलनेस का, ये जो पूरा पतंजलि योगपीठ का पूरा स्वरूप है ये आप अपने आँखों से देखें। तो एक छोटा सा वीडियो बनाने का मन था लेकिन बड़ा वीडियो ज़रूर बन गया, लेकिन आपको पतंजलि के बारे में जितना आपने देखा उससे कुछ और ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि जब लोग आते हैं यहाँ अपने आँखों से पतंजलि विश्वविद्यालय को, आचार्य कुलम को, गुरुकुलम को और पूरा पतंजलि रिसर्च सेंटर आदि को देखते हैं, क्या अद्भुत दृश्य, पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट के, फिर पतंजलि फूड पार्क के, जो भी कुछ पतंजलि में घटित हो रहा है उसको समग्रता में देखिए, टुकड़ों टुकड़ों में मत देखिए। कुछ अपने आप को केवल हाथ पैर मान लेते हैं, बस वो हाथ पैर ही मारते रहते हैं, कुछ लोग अपने आप को दिल मानते रहते हैं तो दिल में पता नहीं क्या घुस गया है, फिर कुछ अपने आप को दिमाग ही मानते रहते हैं, फिर वो दिमाग की उधेड़ बुन से ओवर थिंकिंग से बाहर ही नहीं निकल पाते। अपने आप को भी समग्रता से देखिए, 37 ट्रिलियन सेल्स का कंपोजिशन आपकी की बॉडी, बॉडी के परे इंद्रियां हैं, मन है, आत्मा है, परमात्मा है, तो पिंड को, ब्रह्मांड को, जीवन को, जगत को, पतंजलि को समग्रता से समझिए, स्वामी रामदेव को भी समग्रता से समझिए। जब आप समझेंगे तो आप खुद भी जुड़ेंगे। तो मैंने कहा हमने जब विज्ञापन दिया इस बार सन्यासी बनने के लिए तो 500 से ज़्यादा भाई बहन अभी आने शुरू हो चुके हैं और 500 के करीब पहुँच जाएंगे प्रतिपदा के दिन तक ही, और मुझे लगता है रामनवमी पूरा होते होते कहीं ये संख्या 1,000 ना हो जाए, तो 1,000 नए सन्यासी बनाएंगे। तो क्या एक सन्यासी ने पूरे जो पूरा मेडिकल सिस्टम नहीं कर पाया, जो WHO नहीं कर पाया, जो बड़ी बड़ी अर्थ सत्ताएं पूरी राज सत्ताएं नहीं कर पाई, वो एक सनातन के एक सन्यासी ने आपके सामने करके दिखाया ना। तो आपको स्वामी रामदेव की तरह, पूज्य आचार्य वार्ष्णेय जी की तरह और अपने महान पूर्व ऋषि शिक्षिकाओं की तरह यदि जीवन में कुछ बड़ी सेवा करनी है, कुछ बड़ा अवदान देना है, ये जीवन तो हर मास का है, ये शरीर तो इसका, ये शरीर रूपी यंत्र को भगवान का यंत्र बना दो फिर देखो क्या काम होता है जीवन में। तो ऐसे जो भाई बहन मेरे संकल्पों से, विचारों से, विचार से, मंतव्य से, कर्तव्य से, गंतव्य से, साधन से, साधना से, साध्य से जो सहमत हैं, एक कोई ना कोई आप एक थॉट प्रोसेस को, एक आइडियोलॉजी को तो लेकर के जीते आप, तो जो हमारी इस अध्यात्मवाद राष्ट्रवाद के इस अभियान से सहमत और योग धर्म को, अब इस योग धर्म के साथ साथ वेद धर्म, ऋषि धर्म और सनातन धर्म को विश्व में प्रतिष्ठा दिलाना चाहते हैं वो हमारे साथ आ जाएं। मेरी बहुत बहुत आप सबके लिए शुभकामनाएं, फिर मिलेंगे। ये तो रोज का हमारा अनुष्ठान है, आज मन में आया वो आप तक पहुंचाया और जो कुछ मैंने आज तक किया आपने उसमें बढ़ चढ़ करके भाग लिया, जो मैंने मांगा आपने दिया, तन दिया, मन दिया, धन दिया, जीवन दिया, तभी तो ये असंभव आज जो संभव हुआ है। विविध क्षेत्रों में जो पतंजलि ने कीर्तिमान बनाए हैं और सनातन धर्म का जो एक बहुत बड़ा तीर्थ बना आज पतंजलि, वो आपने बनाया है। बस आपका सहयोग, आपका आशीर्वाद, आपका प्यार ऐसा ही मिलता रहे। भारत माता की जय, वंदे मातरम सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय, गौ माता की जय, गंगा मैया की जय, तुलसी माता, गायत्री माता की जय। हम सब मिलकर के ऐसे ही सभी दिशाओं में
भारत माता की, वेद माता की, वेद संस्कृति, देव ऋषि संस्कृति की जय जयकार करते रहें, सारे जगत का उपचार और उपकार करते रहें। ओम शांति ही शांति ही शांति।